कोविड का हाइब्रिड म्यूटेंट स्ट्रेन जिसे XE नाम दिया गया है मुंबई में पाया गया है। हालांकि नए वेरिएंट वाले मरीजों में अब तक कोई गंभीर लक्षण नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वेरिएंट को दो ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BA.1 और BA.2 का हाइब्रिड स्ट्रेन कहा जाता है। XE वेरिएंट का पहला केस 19 जनवरी को ब्रिटेन में ट्रेस किया गया था। इधर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने XE वेरिएंट को लेकर चेतावनी जारी की है। WHO के मुताबिक BA.2 के मुकाबले 10 गुना ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब है कि यह ओमिक्रॉन के ओरिजिनल वेरिएंट से 43% ज्यादा तेजी से फैलने वाला है। BMC के अनुसार यहाँ कप्पा वेरिएंट के एक मामले का भी पता चला है। ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक चीन में तबाही मचा रहा कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के सब टाइप BA.1.1 का है। शुरुआती जांच में यह पता चला है कि नया वेरिएंट अब तक के सभी कोरोना वेरिएंट से बिल्कुल अलग है। अब तक केवल इतना ही पता चल पाया है कि ओमिक्रॉन के सब टाइप BA.1 के परिवार से निकला है। रिपोर्ट में पता चला है कि COVID-19 का नया वेरिएंट पूर्वी चीन के सुजो प्रांत से सामने आया है, जो चीन के सबसे बड़े शहर शंघाई की सीमा में है। इस क्षेत्र में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BA.1.1 के मामले सामने आने के बाद नए खतरे पैदा हो गए हैं। इसके अलावा ये वेरिएंट चीन के जियांगसू प्रांत में मिला है, जो शंघाई से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। बेकाबू होते हालात से निपटने के लिए चीनी सरकार ने शंघाई में सेना को भेजने का फैसला किया है। इसके अलावा यहाँ अलग से 2,000 से अधिक हेल्थ वर्कर्स को भी भेजा गया है। ये सभी लोग मिलकर शहर के करीब 2.6 करोड़ लोगों की टेस्टिंग करेंगे। बता दें कि शंघाई की आबादी करीब 2.6 करोड़ है। विशेषज्ञों का कहना है कि नया सब वेरियंट ओमिक्रॉन के BA.1.1 स्ट्रेन से विकसित हुआ है। चीन में पाया गया नया सब वेरिएंट कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के म्यूटेंट XE से संबंधित नहीं है। बता दें कि कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो रूप हैं। पहला है ओमिक्रॉन BA.1 और दूसरा BA.2। चीन में BA.1.1 के मामले सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। हालांकि अभी इसके ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं और शुरुआती जांच में पता चल रहा है कि नया वेरिएंट इतनी तेजी से नहीं फैल रहा। आज की इस न्यूज़ में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।